إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وقال تعالى في سورة قاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد حاضرین جمعہ خواتین ملت خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ اور سورۃ قاف کی دو آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں واختلاف اللیل والنہار رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کے ایک بعد دیگر آنے جانے میں اور اسی طرح سے موسم اور ہوا بارش پانی ان کی تبدیلیوں میں والفلک التی تجری فی البحر اور وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہے بما ینفع الناس جن سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے وما انزلنا من السماء من ماء اور ہم نے آسمان سے جو بارش کا پانی نازل کیا ہے
और इस बारिश के पानी के जरिए से फाहिया बिहिल अर्द बाद मौतिहा, मुर्दा जमीन को हमने जिंदा कर दिया। वबत सफीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और हमने जमीन में बहुत सारे चौपायों को फैलाया और इस बारिश के पानी के जरिए से उनकी जिंदगी का दारो मदार पैदा किया। और इसी तरह से वह तशरीफ रियाह, हवाओं के हेर फेर, वह सहाब मुसख्खर बैन अस्समाई वल अर्द, और आसमान और जमीन के बीच में बादलों को जो मुसख्खर किया है। लायातिल लिकौमी याकिलून, इन सब बातों में अकलमंदों के लिए बहुत सारी निशानियां है। हजरत ग्रामी सूरा कौफ की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, हमने आसमान से मुबारक पानी को नाजिल किया है, और ये पानी मुबारक है, और उसके जरिए से फअंबतना बिही जन्नत, हमने बागात उगाए, वहब्बल हसीद, दाना जो इंसान काट के खाता है, वनखल बासिकातिल्लाहतलअन्नदीद, और इसी तरह से खजूर के खोशे और दीगर पैदावार जिसके जरिए से इंसान फायदा उठाते हैं, रिज़्क़ल इबाद, इंसान की रोजी रोटी के तौर पर, बंदों के रोजी रोटी के तौर पर, अल्लाह के जितने बंदे हैं इन सब की रोजी रोटी के तौर पर अल्लाह ने बारिश के पानी के जरिए से इन चीजों का इंतजाम किया है। और फौरन बाद कहा, फअहयाइना बिही बल्दतम मैता, हमने मुर्दा जमीन को, मुर्दा शहरों को बारिश के पानी के जरिए जिंदा किया है। कदालिकल खुरूज, इसी तरह से तुम भी एक दिन जिंदा किए जाओगे, तुम भी इसी तरह से एक दिन उठाए जाओगे, जैसे मुर्दा जमीन को अल्लाह ने बारिश के पानी के जरिए से जिंदा किया है, पौधों को उगाया है, लहलाया है, तुम भी एक दिन मुर्दा बन जाओगे और तुम्हें भी अल्लाह तबरक ताला एक ना एक दिन जिंदा करेगा। और उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम आइका, अस्हाबे लूत, कई दीगर अक्वाम सालिफा और हालिका का तस्किरा किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीका था कि आप जुमा के खुतबे में सूरह कौफ की तिलावत करते थे। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं जहां पर इन कौमों का तस्किरा है, इबरतें हैं, निशानियां हैं, वहीं पर अल्लाह की नियमतों का भी तस्किरा है। हजरात गिरामी, बारिश का पानी, बारिश का पानी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जहमत भी है। अल्लाह ने बारिश के पानी के जरिए से इंसानों की जिंदगी का दारो मदार और इन्हिसार भी रखा है, और इसी बारिश के पानी के जरिए से अल्लाह ने कौमों को तबाह और बर्बाद भी किया है। अल्लाह ताला ने इस बारिश के पानी के जरिए से दोनों तरह का इंतजाम किया है, और मोमिन की निगाह इबरत की निगाह होती है। मोमिन, ये जो मौसमों की तब्दीलियां हैं, अल्लाह ने फरमाया कि इनमें मोमिन के लिए, अक्लमंदों के लिए इबरत का सामान है, निशानियां हैं और दर्स और इबरत की बातें हैं, इनको देखकर अल्लाह को पहचानो, इबरत पकड़ो, नसीहत हासिल करो और भूला बिसरा सबक पढ़ के अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ। आइए मैं आज आपके सामने बारिश का पानी, रहमत और जहमत दोनों पहलू रखता हूं, और सिर्फ बारिश के पानी के ताल्लुक से शरीयत का तसव्वुर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं। हजरात, अल्लाह ताला ने बारिश के पानी, बारिश का नुजूल, इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिंदा करना, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी निशानियां रखी है और बार बार ये दावत तदब्बुर व तफक्कुर दिया है कि देखो बारिश का पानी, देखो इसका निजाम और सिस्टम, देखो ये बादल, देखो हवाओं को, देखो अल्लाह ने आसमान और जमीन के बीच में इसको रखा है, यानी आसमान से बहुत नीचे है ये बादल,
और अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया है कि उसी के जरिए से ही ये बुखारात बनते हैं, स्टीम बनता है, ये बुखारात और भाप और स्टीम की शक्ल में बारिश का पानी से ही स्टीम बन के बुखारात की शक्ल में आसमान को जाता है। अल्लाह उसको स्टोर करता है आसमान और जमीन के बीच में, फिर उसके बाद अल्लाह की जब मर्जी होती है, जहां मर्जी होती है वहां पर मुनासिब मकदार में हवाएं उसको उठाकर ले जाती हैं और अल्लाह के हुक्म से वहां पर बारिश बरसती है। अल्लाह अकबर, क्या निजाम अल्लाह ने बनाया है। ये साइकिल देखो कि बारिश का पानी बरसता है, उसी से बुखारात बनते हैं, फिर आसमान को जाता है, फिर अल्लाह की मर्जी से बारिश बरसती है। अल्लाह ने बेहतरीन निजाम और सिस्टम बनाया है, इसमें निशानी है, इबरत है। है कोई अल्लाह के सिवा जो इस काम को कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकते हो ना। अल्लाह ने फौरन उससे पहले वाली आयत जो सूरह बकरे की आयत मैंने पढ़ी है, उससे पहले अल्लाह ताला ने दावत तौहीद दिया, फरमाया वइलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, वही माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो रहमानुर रहीम है, उसके रहमत और उसके करम का ये करिश्मा देखो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन के बीच में बारिश का ये निजाम रखा है, हवाओं का ये सिस्टम रखा है, भारी भरकम कश्ती को बारिश का ये पानी उठाता है। अल्लाह अकबर, भारी भरकम कश्ती तजरी फिल बहर, ये कश्तिया वल फुल किल्लती तजरी फिल बहर, भारी पानी में देखो एक चीज को डालो जो वजनी हो तो डूब जाए, लेकिन ये कश्तियां भारी भरकम सामान लेकर, हजारों केजी के सामान लेके बारिश के पानी के, समंदर के पानी के ऊपर जाती हैं, तलातुम के साथ खेलते हुए, मौजों को चीरते हुए, हवाओं को फाड़ते हुए ये आगे निकल जाती हैं। कौन सी जात इसको उठाती है? बताओ, वो अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हुव रहमानुर रहीम। अल्लाह अकबर, क्या पैगाम है मेरे भाइयों। हाजरे निगरामी, ये बारिश का पानी जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बार बार ये पैगाम दिया है कि तुम इसके जरिए से इबरत हासिल करो, और अल्लाह ताला ने इस बारिश के पानी को कहा कि देखो यही जिंदगी है। पानी का दूसरा नाम जिंदगी है। कुरान ने बहुत पहले ही बता दिया, अल्लाह ने फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ला शयइन हय, हमने पानी से हर जिंदगी, हर जिंदा चीज की जिंदगी को बरकरार रखा है पानी के जरिए से। इसीलिए अरबी में कहा जाता है अलमाउ हुवल हयात, अलमाउ हुवल हयात, पानी ही जिंदगी है। फहाफिदु अला हयातिकुम, तो तुम अपने पानी, अपनी जिंदगी की हिफाजत करो, पानी वेस्ट मत किया करो, पानी की हिफाजत किया करो। हाजरीन निगरामी, अगर कुरान का आप मुताला फरमाएं तो कुरान ने ये पैगाम दिया कि देखो पानी तो बहुत है, पानी तो बहुत है, समंदर का पानी, तालाब का पानी, कुएं का पानी, लेकिन तमाम पानियों का दारो मदार आसमान के बारिश के पानी पर ही है। समंदर में पानी कहां से आएगा अगर आसमान से बारिश ना बरसे? तालाबों में, कुओं में, नालों में, खेतों में, खलियान में कहां से पानी आए जब तक आसमान से बारिश का पानी ना बरसे? हाँ, और याद रखो इतना पानी दुनिया का, दुनिया के तीन हिस्सों में से अगर देखा जाए दो हिस्सा पानी है, एक हिस्सा ही खुश्की है, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान के पीने के काबिल पानी वही है जो अल्लाह ताला आसमान से बरसाता है और फिर जमीन उसको फिल्टर करके इंसान को देती है। अल्लाह अकबर, क्या निजाम बनाया। देखो ये निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है, और पहाड़ों के ऊपर कोई रहते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे निजाम बनाया कि पहाड़ों के पत्थरों के बीच में से झरने निकलते हैं। अल्लाह अकबर, क्या निजाम अल्लाह ताला ने बनाया है। सुभान अल्लाह वहम्दी अदद खल्क़ी वरिदा नफ्सी वज़नत अर्शी वमिदाद कलिमाती। हज़रे निगरामी, अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि देखो
अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पीने का जो निजाम बनाया है ना, अल्लाह ने सूरह वाकिया में फरमाया है, अफरायतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो उस पानी पे जिसको पीते हो। पीने से पहले जरा देख लो, एक बार गौर करो, अफरायतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या तुम उस पानी में गौर व फिक्र नहीं करते हो जिसको पीते हो। अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्लि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या तुमने बादलों से इसको बरसाया है या हम बरसाने वाले हैं, तुमने किया इंतजाम या हम करने वाले हैं। लौ नशा, अगर हम चाहें तो जालना हो उजाजा, इसको खारा बना दे, हम चाहें तो इसको खारा भी बना दे, अगर खारा बना दे कहां से पियोगे। इसीलिए फलौला तशकुरून, शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते हो, शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते हो, अल्लाह ने दिया इसकी शुक्र गुजारी किया करो। हज़रात-ए-गिरामी, ये बारिश के पानी को अल्लाह ताला ने कहीं अल्लाह की अजीम कुदरत और बहुत बड़ी नेमत करार दिया, निशानी करार दिया, तो कहीं अल्लाह तबरक ताला ने इसको बाई से तहारत करार दिया है कि अल्लाह ताला बारिश का पानी बरसाता है तुम्हें पाक करने के लिए, पाक करने के लिए। क्या पाक? फिजाओं को, माहौल को तुम मुकद्दर करते हो पटाखे फोड़ के, गाड़ियों को चला के, धुआं के जरिए से, क्या क्या तुम गंदगियां फेंक के अल्लाह बारिश का पानी बरसाता है और हवा को, फिजाओं को मुकद्दर जो तुमने किया उसको अल्लाह पाक करता है और तुम्हें भी पाक करता है। तुम उससे गुसल करते हो, वुजू करते हो, पीते हो, पानी पीते हो, पीने के पानी के जरिए से अंदर के कितने जरासिम को पानी पाक करता है। अल्लाह अकबर, अंदरूनी बैरूनी हर तरह की पाकी का इंतजाम अल्लाह ताला ने किया है, अल्लाह ताला ने इसका इंतजाम किया है। हज़रात-ए-गिरामी, ये बारिश का पानी, इसके निजाम को अल्लाह ने कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा करार दिया और दावत नजारा, दावत तदब्बुर और तफक्कुर दिया है और कहा कि देखो अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। और ये पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, पानी, बारिश के पानी को अल्लाह ताला ने रिस्क भी करार दिया है। अल्लाह ने कहा कि देखो हमने आसमान से मिन रिस्क इन तुम्हारे लिए बारिश का पानी बरसाया है, ये रिस्क है और रिस्क लकुम तुमने अभी सुना है कि रिस्क के तौर पर है। बारिश का पानी जहां बहुत बड़ी नेमत है और उसके जरिए से अल्लाह तबरक ताला ने इसको एक बेहतरीन दौलत करार दिया, साथ ही साथ अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ये जहमत भी है। अगर बारिश का पानी मुनासिब मिकदार में हो तो ये रहमत है और मिकदार से ज्यादा हो जाए तब भी जहमत, मिकदार से कम हो जाए तब भी जहमत। अल्लाह ने इसको बयान किया है, क्या प्यारी आयत है। अल्लाहु अकबर, सूरा अल मोमिनून में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरा अल मोमिनून की आयत नंबर 18 में अल्लाह ने फरमाया, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ, हमने आसमान से बारिश का पानी बरसाया मुनासिब मकदार में, मुनासिब मकदार में, मा बिकदर, अगर ये मुनासिब मकदार में है तो ये रहमत है, मुनासिब मकदार में हो तो रहमत है और अगर मुनासिब मकदार में ना हो तो जहमत है। बिकदर, एक साइंस के टीचर ने मैं से पहले इस ताल्लुक से बयान किया तो उन्होंने आकर मुझे एक बात कही, बहुत अच्छा लगा, ऐसे आके कुछ बातें बताएं तो हमारे इल्म में इजाफा भी होता, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, फिर हम उनके जरिए से दूसरों तक फायदा पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि कदर का मतलब ये भी हो सकता है कि साइंस से कहती है बारिश का पानी का जो बूंद है ना, उसकी जो बूंद है, उसकी जो मकदार है ना, वो इक्वल होती है। हाँ, यानी ऐसा नहीं है कि यहां पर इतने मोटे मोटे बरसे और वहां पर इतने छोटे छोटे, नहीं, एक ही मकदार की बूंदे अल्लाह ताला नाजिल फरमाता है। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, क्या बड़ी बात, देखो अल्लाह अकबर, मा अम्बी कदर, मुनासिब मकदार में अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। कहा कि देखो इतना ही नहीं, फसकन्ना फिल अर्द, फिर जमीन में हम इसको
करार पकड़ते हैं, इसको मुनासिब मकदार में उसको बना देते हैं, जमीन उसको जज्ब करती है, फिर इंसान को फायदा पहुंचाता है। वइन्ना अला ज़हाबिम बिही लक़ादिरून, और हम इसको खत्म करने पर भी कादिर हैं। जमीन के नीचे के जो उसके जो पानी की सतह है इसको हम खत्म भी कर सकते हैं, आसमान के बारिश को भी हम खत्म कर सकते हैं। हम देने पर भी कादिर हैं, लेने पर भी कादिर हैं। हमने मुनासिब मकदार में बरसाया भी है, जमीन में बसाया भी है, इसको खत्म करने पर भी कादिर है, और इसको हम जालना हो जा खारा भी बना सकते हैं, खारा भी बना सकते हैं। अल्लाह अकबर। देखो सैलाब तूफान जब आता है, सैलाब आता है, आदमी बारिश पानी के ऊपर ठहरा हुआ होता है लेकिन पीने के लिए तरस जाता है। हाँ? हाँ? वो पानी वो पी नहीं सकता है, पानी में डूब रहा, पानी के ऊपर खड़ा है लेकिन पी नहीं सकता है। अल्लाह ने पीने के लिए अलग निजाम बनाया है। अल्लाह की इन तमाम नियमतों पर हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हजरत आइए मैं आपको ये बताऊं कि बारिश का दूसरा पहलू क्या है। ये तो आपने रहमत वाला पहलू देखा है, अब जहमत वाला पहलू। मोमिन इबरत हासिल करता है, माहौल से इबरत हासिल करता है, इन चीजों में अल्लाह ने इबरत रखी है। लाया तिल्लिल अलबाब कहा, लाया तिल्लि कौमी याकिलून कहा, अकलमंदों के लिए, अकल वालों के लिए इनमें निशानियां हैं, ईमानदार इनसे इबरत हासिल करता है। हजरात बारिश जब कम हो जाए तो ये भी जहमत, बारिश जब ज्यादा हो जाए ये भी जहमत, मुनासिब मकदार में हो तो रहमत, जब कम हो जाए तो कहा कि देखो इंसान की गुनाह की वजह से कम हो जाती है। हाँ, तो सलात इस्तिस्का पढ़ा करो, तौबा इस्तिगफार किया करो, और सदका तो खैरात किया करो, एक तालीमात हैं। और अगर ज्यादा हो जाए बारिश का पानी, अगर ज्यादा हो जाए तो ये जहमत है, और इस जहमत को कैसे दूर कर सकते हो पहले सुन ले, जहमत क्या है, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने बारिश के पानी के जरिए से कौमों को तबाह किया, हलाक किया, बर्बाद किया। ये पानी की ताकत के सामने, पानी की कुव्वत के सामने इंसान हमेशा बेबस रहा, आजिज रहा है। इंसान की टेक्नोलॉजियां फेल रही है, इंसान के हर तरह के इल्म उलूम फनून हमेशा बेकार और बेसुध बन के रह गए हैं। हाँ, जापान, मेड इन जापान, जर्मन बहुत आगे हैं। उन्होंने ये दावा किया, हमने आसमानी आफतों से लड़ने का सारा इंतजाम कर लिया। अल्लाह ने वही से सुनामी भेजा। हाँ, सुनामी भेजा, देख ले अब तक तूफान फिजाओं में आया करता था, हमने समंदर से तूफान लाया है। अल्लाह अकबर। हाँ? हाँ? तुमने ये चैलेंज किया, हमने हर तरह का बंदोबस्त किया, जतन किया है, तुम्हारे इस सीने से हम लाएंगे, देखो। और अल्लाह ने सुनामी के लहर ऐसे दुनिया वालों को दिखाया कि दुनिया तंग हैरान और शजदर है, सारी टेक्नोलॉजियां फेल हैं, सारे उलूम और फनून हेच होके रह गए, सब के सब परेशान हैं पानी के इस ताकत के सामने। और आज के दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, उसके बावजूद हमने पिछले दिनों में देखा है, पिछले दिनों में हमने ये देखा है, लोगों ने कहा कि देखो कश्मीर तो जन्नत है, अल्लाह ने जन्नत तो जन्नत में रखी है अपने पास। लोगों ने कश्मीर को जन्नत बनाया, और उन्होंने ये सोचा यहां तो कभी सैलाब नहीं आ सकता है, पहाड़ के ऊपर कहां सैलाब आए। अल्लाह ने चंद साल पहले, आप जानते हैं, कश्मीर में ऐसा सैलाब लाया, सारी दुनिया को दिखाया अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ? और जाओ, अभी करीब की बात है और इससे पहले कई बार हुआ है, पड़ोसी रियासत चेन्नई में समंदर के तह, समंदर के बाजू में है। हाँ? समंदर के बाजू में है, पानी सब उतर जाएगा वहां, लेकिन वहां के लोग बारिश के पानी में डूब के बेघर बेसहारा परेशान हाल है। केरला के सैलाब को आपने देखा है दो चार साल पहले, कैसे केरला में तबाही मचाया है ये सैलाब ने, जहां पर समंदर है, नदियां हैं, और जो पहाड़ी इलाका है उसके बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसा सबक सिखाया और दिखाया, बताया कि देखो ऐसा नहीं।
नहीं है। हैदराबाद में भी, बॉम्बे में भी चंद साल पहले आपने देखा है कैसे तबाही मचाया था ये बारिश का पानी ने। और आप जो है बिहार और इस तरफ के इलाके में तो हर साल सुनने को मिलता है कि ये बारिश का पानी तबाही मचाता है। हजरत मैं आपको और क्या क्या बताऊं, हर जगह देखते चले जाओ, हमारे इस मुल्क वतन अजीज के तूल अर्ज में देखते चले जाओ, हर तरह की निशानियां आपको मिल जाएगी, हर तरह की इबरत आपको मिल जाएगी। इबरत हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह ने यही काम इससे पहले भी किया है, इससे पहले भी किया है। आप देखो कौमे नूह, कौमे नूह को अल्लाह ने कैसे तबार बर्बाद किया, यही सैलाब के जरिए से तो ही, सैलाब के जरिए और यही बारिश के पानी के जरिए से ही अल्लाह ताला ने तबाह और बर्बाद किया है। कैसे बारिश का पानी, अल्लाह तबरक ताला ने फरमाया कि देखो फतह फतहना अबवाब अस्समाई बिमाई मुनहमिर, हमने उन पर आसमान के दरवाजे खोल दिए, मुसलसल बारिश, मूसलाधार बारिश, रात दिन बारिश। कभी आपने गुज़िश्ता 24-25 घंटे से लगातार यहाँ पर बेंगलोर में बारिश हुई, कभी अल्लाह को याद किए, कभी दिल में अल्लाह का डर और खौफ आया, कभी कौम नूह का तसव्वुर आया, कभी अपने गुनाहों को याद किए, कभी अपनी मासियत को याद किए, कि आजू बाजू के पड़ोस के हालतों को देखकर कभी हमने इबरत का साम इबरत पकड़ी है, हमें कभी हमने होश का नाखून लिया है क्या? नहीं, हम तो मस्त है, मगन है, नमाजों को बर्बाद कर रहे हैं, सबका तो खैरात की भी फिक्र नहीं है, तो अब इस्तगफार भी नहीं है, तौहीद की तरफ आना भी नहीं है, को विदा तो खुराफात है। अरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, कौमे नूह को अल्लाह ने तबाह किया बारिश के पानी से। इतना ही नहीं, आगे बढ़े, अल्लाह ताला ने कौमे सबा को भी, कौमे सबा को भी बर्बाद किया। वो कौमे सबा, देखो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, और शहर बेंगलुरु की और सारे मुल्क की और सारी दुनिया के अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आफियत में हैं। तो क्या करना चाहिए, आराम से सोना है कि क्या करना है? जो लोग परेशान हाल है उनकी मदद करो, तौबा इस्तगफार करो, तौहीद के मतवाले बन जाओ, सुन्नत रसूल के शहीदाई बन जाओ, एक दूसरे के हेल्प करने वाले बन जाओ, अल्लाह के बारगाह में रुजू हो जाओ, अपने गुनाहों को याद करो, मासियतों को याद करो, तौबा इस्तगफार किया करो और अल्लाह की शुक्रगुजारी किया करो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम आफियत में हैं। ईमान के बाद सबसे बड़ी आफियत, गोया के देख सबसे बड़ी दौलत आफियत की दौलत है, आफियत की दौलत है। और ये ना सोचो कि यहाँ कभी नहीं हो सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अल्लाह से आफियत मांगते हैं, आफियत मांगते हैं। जब कश्मीर में अल्लाह ने लाया, इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि तौबा इस्तगफार करें, इबरत हासिल करें। कौमे सबा, अल्लाह ने उनको इतनी नेमतें दी, इतनी दौलत दी, बेहतरीन बागात, बेहतरीन चश्मे, बेहतरीन घर, बेहतरीन बंगले, आफियत में थे, आराम में थे, लेकिन ना शुक्री किए, ना कदरी किए, कुफर किए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, सैले इरम, इरम के बंद को तोड़ दिया और ऐसा सैलाब लाया, ऐसी बारिशें बरसाई कि सबकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, तहस नहस हो गई, सारे सामान खत्म हो गए। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, इनसे हमें इबरत हासिल करना चाहिए, इबरत हासिल करना चाहिए। अल्लाह ने कौम सबा का सारा वाकया बयान करने के बाद फरमाया, हल नुजाजी इल्लल कफूर, ना शुक्रा लोग को हम यही बदला दिया करते हैं, ना शुक्रा जो लोग हैं जो कुफर करने वाले हैं, हम उनको यही बदला देते हैं। आसमान से मूसलाधार बारिश बरसा के, सैलाब के जरिए से, तूफान के जरिए से इनको हम बदला दिया करते हैं। ना शुक्री अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, शुक्र गुजारी करोगे नेमतों में इजाफा कर दूंगा, वला इन कफर तुम इन अदाबी लशदीद, और ना शुक्रापन दिखाओगे, कुफर करोगे, ना शुक्रापन दिखाओगे, मेरा अजाब बड़ा कठिन है। याद रखो अल्लाह का अजाब आता है कब, ना शुक्रापन की वजह से।
आज अल्लाह को नाराज करने वाले कितनी बातें हो रही है। आज सारी दुनिया मासियतों के नाफरमानियों का अंबार और भरमार हो चुका है, आमचगा बन चुकी है। हर तरफ देखो बेहयाई, औरियानी, शराबनोशी, जिनाकारी, कुफर है, शिर्क है, बिदात है, खुराफात है, चोरी है, डकैती है, राजनी है और सीना जोरी है, लोगों को धोखा देना है, झूठ बोलना है, गइबत करना है, जुल्म ज्यादती है और लोगों पर कमजोरों पर जुल्म करना है, हाकिमों का जुल्म है, मेजॉरिटी का जुल्म है। और याद रखो मेरे भाइयों, ऐसे महंगाई की मार है, हाकिम लोग खा रहे हैं, रिश्वत खोरी है, ये सारे अजाबात हैं, सारे अजाबात हैं। क्यों ये अजाबात आते हैं? नाशुक्री की वजह से, नाशुक्री की वजह से और नबी की मुखालफत की वजह से, नबी की मुखालफत की वजह से, नबी की मुखालफत। देखो उहद के मैदान में अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम उहद के ये जो पहाड़ी इस पे बैठे रहो, जब तक मेरा हुक्म ना आए उतरना नहीं। नबी की मुखालफत करते ही उतरते उतर के आए, फौरन अल्लाह ताला ने मजा चखाया, फौरन मजा चखाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलयहदरिल लदीना युखालिफूना अन अमरी अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को डरना चाहिए जो नबी की मुखालफत करते हैं, कहीं उनको फितने से दो चार ना कर दिया जाए, कहीं वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला ना हो जाए। आज ये जो फितने हम देख रहे हैं, हर जगह फितना फितना, क्यों? हम नबी का तरीका छोड़ दिए हैं, हम नबी का तरीका छोड़ दिए, अल्लाह की शुक्र गुजारी करना छोड़ दिए हैं। कुफर है, शिर्क है, हर तरह की बुराइयों की आमजगा दुनिया बनती जा रही है। इसलिए अल्लाह ताला भी ऐसे अजाबात को लेकर आ रहा है। हज़रात गिरामी, इन तमाम वाक़यात ने हमारे लिए इबरत का सामान है। और नबी की हदीस आखिर में सुन ले, नबी ने फरमाया आखिरी जमाने में कयामत की अलामतों में से एक अलामत होगी कि बारिश बहुत होगी लेकिन बेफायदा होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत फरमाए। बारिश बहुत होगी लेकिन इन बारिश से, इस बारिश से लोगों को फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। आज देखो बारिश का पानी बहुत है लेकिन फायदा नहीं, फिर भी क्या है? टमाटर 100 रुपया केजी है, भाजी तरकारियों तो आसमान को छू रही है। और देखो जो इस्तेमाल करने का ऑडिबल ऑयल है, अल्लाह अकबर, आसमान को छू रहा है। भाजी तरकारियां हो, सब्जियां हो, कितने आसमान को छू रही है ये सब चीजें। कि गरीब भी परेशान है, भाजी तरकारी खाओ तब भी जो है 200-300 की बात बनती है। हजरात याद रखो, ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब है, अजाब है। इसलिए हमें अल्लाह की तरफ आना है, अल्लाह की तरफ लपकना है, सदका खैरात करना है, अल्लाह के रास्ते में हमें आना है। आखिरी पैगाम मेरा यही है कि अल्लाह ने इन चीजों में जो इबरतें रखी हैं, हमें चाहिए कि इन इबरतों को हासिल करके, दर्स को हासिल करके अपना जायजा लें। हर आदमी अपना जायजा ले, तौबा इस्तिगफार करें। कभी एक आदमी के तौबा इस्तिगफार से बहुत सों को फायदा होता है, कभी एक के गुनाह की वजह से बहुत सों को नुकसान भी होता है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, आप सब के लिए मेरा ये पैगाम खुलासा कलाम ही है कि अल्लाह ने ये बारिश का पानी जो बरसाया, बहुत बड़ी रहमत भी है। और मुनासिब मकदार से कम हो या ज्यादा हो तो ये बहुत बड़ी जहमत भी है। अल्लाह से ये दुआ तौबा इस्तिगफार करें कि अल्लाह ताला कब इसको जहमत बनाता है, इंसान के नाशुक्री, कुफर की वजह से, मुखालफत की वजह से, गुनाह और मासियतों की वजह से। हमें अपने गुनाहों का जायजा लेना और इबरतें हासिल करना है। और जो दुआएं अल्लाह के रसूल ने सिखाई हैं, उन दुआओं को पढ़ना चाहिए कि जब बारिश का पानी देखो बरसते हुए, कहो कि अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, सय्यिबन नाफिया कहो, अल्लाह इसको नफा बख्श बना दे, नफा बख्श बना दे, और अल्लाह ताला इसको हमारे लिए बेहतरीन खुशगवारी का जरिया बना दे, हनिया मुरिया मरिया नाफिया। और अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो अल्लाह की रहमतें मत, मतलब अल्लाह तो मत बरसा ये मत कहो, बल्कि ये कहो अल्लाह ताला ला अलैना, अल्लाहुम्मा ला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे ऊपर ना बरसा, हमारे ऊपर ना बरसा, हवा अलैना, अतराफ व अकनाफ में जहां जरूरत है वहां बरसा, अतराफ व अकनाफ में जहां जरूरत है वहां बरसा। क्या प्यारी दुआ है, काकल अल आकाम वल दराम व मनाबित शजर, कहा कि जहां
पौधे उगे या जो टीले हैं, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है, वहां बरसा जहां जरूरत है। अल्लाह अकबर, क्या प्यारी दुआ है। इन दुआओं को पढ़ना चाहिए तो अब इस्तगफार करना चाहिए, और सदका तो खैरात से अल्लाह का गैज़ो गज़ब कम होता है। लिहाजा इस मौके पे हमें सदका तो खैरात करना, वो लोग जो परेशान हाल हैं उनके ताउन के लिए दस्ते ताउन आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबरक ताला हमें और आपको कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह इला आलमीन सारी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू दीनों ईमान अहलो आयाल की हिफाजत फरमाना। जो जिस तरह से परेशान हाल है उनकी परेशानियों से उनको नजात देना। बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाना। जो लोग वफात पा चुके उनकी बाल बाल मगफरत फरमाना। पसमंदागान को सबर दे, अजर दे, नेमुल बदल अता फरमाना। जो बे औलाद उनको औलाद की दौलत से मालामाल फरमाना। मकरूज की कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। तिजारत और कारोबार को बहाल फरमा देना और तिजारत और कमाई में बरकत अता फरमा देना। इलाल आलमीन हमारी सेहत में, आफियत में, हर चीज में बरकत अता फरमा देना। मुसलमानों को एक बना दे, नेक बना दे और दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दे। इलाल आलमीन हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाल आलमीन जो कुछ मांगने से रह गए अपनी शान से नवाज दे। अल्लाह जिन पर जुल्म हो रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे मुल्क में और दीगर जगहों में, सारी दुनिया में, अल्लाह ताला तू जालिमों से काफी हो जा। अल्लाह तू जालिमों से काफी हो जा। अल्लाह तू जालिमों को निमट ले। अल्लाह तू जालिमों को पकड़ ले। अल्लाह तू जालिमों को पकड़ ले। अल्लाह तू जालिमों से निमट ले। अल्लाह तू मजलूमों की मदद पहुंचा। अल्लाह तू गैबी तरीके से मजलूमों की मदद पहुंचा। अल्लाह ताला तू मजलूमों के हर एतबार से बंदोबस्त फरमा दे, उनके हर तरह के इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ताला उनको परेशानियों से नजात अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फिरका परस्त अनासिर मुख्तलिफ तरह के फितने और फसाद फैला रहे हैं, अल्लाह तू ऐसे फितीन से, जालिमों से और ऐसे फसादियों से तू काफी हो जा। अल्लाह तू आपस में उनको लड़ा दे, आपस में उनको लड़ा दे, उनकी बुनियादों को ढा दे। अल्लाह तू उनकी हुकूमतों को बर्बाद कर दे। اللهم قاتل الكفرة اللهم لعن الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويسدون عن سبيلك اللهم عليك بالظالمين المعتدين في بلادنا اللهم خالب بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ودمر ديارهم ومزق حكومتهم وقتل شبانهم ويتم أطفالهم وبدل أهوالهم وبدل تدبيرهم ومزق حكومتهم كل ممزق واشدد على أموالهم واشدد على أموالهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين يا قهار قهر عليهم يا جبار جبر عليهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم عليك بالظالمين في بلادنا اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم للعالمين عبرة وآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العادة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والذلة والقلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والذئام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.